तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से आप लोग को एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन वैसे तो 5 या 7 नंबर में देखने को मिलता है, वरना कभी कभी ये जो है 10 या 15 नंबर में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और अल्टरनेटिवली या तो डाइएजोटाइजेशन या तो आपसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इन दोनों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारी बातें आप लोग हटाओ, पहले आप लोग बहुत ही सिंपली समझो एजो का मतलब क्या होता है। देखो, जो हमारा एजो है ना, इसका मतलब होता है यहाँ पे नाइट्रोजन से। ठीक है, यानी एजो वर्ड हमारा नाइट्रोजन को रिफर करता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डाई एजो। डाई एजो का मतलब क्या हुआ, दो नाइट्रोजन। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर हमें दो नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ गए, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को अगर हम लोग समझें तो डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन इज अ मेथड यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कंपाउंड्स। ठीक है, अब इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन में करते क्या है, यहाँ पे हमारा सैंपल होता है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कंपाउंड। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेशन करते हैं। अब ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कंपाउंड है क्या, तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो अमीन क्या होता है। अमीन मतलब अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3। ठीक है, तो NH3 हमारा क्या होता है, देखो अब NH3 को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, N और यहाँ पे 3H। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, जब यहाँ पे NH3 यानी कि अमोनिया में से हम लोग 1H को रिप्लेस करके, ठीक है, इसकी जगह कुछ मतलब कुछ भी और कंपाउंड जोड़ दें, ठीक है, मान लो कोई चेन है या फिर कोई भी कंपाउंड है, तो यहाँ पे उस अमोनिया को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन। अगर 1H को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमीन। और अगर मान लो हम लोग 2 को कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन। और अगर तीनों एच को हम लोगों ने हटा के कोई और कंपाउंड ला के जोड़ दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी अमीन। बट हमें यहाँ पे देखना है अपने प्राइमरी अमीन को। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। अब एरोमेटिक क्या होता है, तो एरोमेटिक होता है एरोमेटिक हमारे कंपाउंड होते हैं, जैसे हमारा बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन हमारा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कंपाउंड से क्या मतलब है कि जो हमारा अमीन है, ठीक है, जब वहाँ पे 1H रिप्लेस होके हमारा यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। यानी कि इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो तो 1H की जगह हमारा क्या आ गया है, बेंजीन रिंग। तो बस सिंपली इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कंपाउंड। तो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड की डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग अपने डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, द डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन इज नथिंग बट सिंपली द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन टू अ डायोजेनियम कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको डाइएजोटाइजेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कंपाउंड होता है, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है डायोजोनियम सॉल्ट में। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन वगैरह होती है हमारे टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में, और होता क्या है कि यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और इसी की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। यानी सिंपली बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के लिए। ठीक है, और बनता क्या है, बनता है हमारा डायोजोनियम सॉल्ट, और इसी की वजह से हम लोग इस टाइट्रेशन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। बस सिंपल, ठीक है, खत्म यहाँ पे, मतलब खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है, बट यहाँ पे कंसेप्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कवर किया था हमारे पीटर ग्रेसन सर ने, ठीक है, 1853 में। और इस मेथड को हम लोग यहाँ पे मेनली अपने डाइज की डिटरमिनेशन के लिए यूज करते हैं। अब डाइज क्या होता है, डाइज बेसिकली हमारे कलरिंग एजेंट्स आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं, तो उनके डिटरमिनेशन के लिए हम लोग इसको मेनली यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपने डाइएजोटाइजेशन टाइट्रेशन के प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे होता क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट एंड फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे आप लोग बहुत ही सिंपली समझो कि इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे एनालाइट, ठीक है, ये हो गया एनालाइट और ये हो गया टाइट्रेंट। अब देखो यहाँ पे एनालाइट टाइट्रेंट के बारे में मैं आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ, मैंने बहुत अच्छे से इनको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आप लोग को नहीं पता तो वहाँ पे जाके देख लो। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे टाइट्रेंट का मतलब होता है जिसके बारे में पता हो, और एनालाइट क्या होता है, जिसके बारे में हमें पता करना होता है। तो यहाँ पे हमारा एनालाइट में होता है क्या होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कंपाउंड, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन।
और यहाँ पे हम लोग टाइट्रेंट का यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लोग टाइट्रेंट यूज करते हैं NaNO2, ठीक है, NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइट। देखो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है, बस इतना ही है इसमें, अगर ये चीज़ समझ गए तो आगे सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा टाइट्रेंट क्या हो गया, NaNO2, और हमारा एनालाइट क्या हो गया, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है अपना मीडियम जो है HCl ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एसिडिक मीडियम जो है हम लोग रखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, यानी कि जो हमारा ये होता है, ठीक है, ये हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है किससे, सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2 से, और क्या फॉर्म करता है, डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हमारी कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पे जो हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कंपाउंड, ठीक है, और इसने किससे रिएक्ट किया, NaNO2, NaNO2 हमारा क्या है, टाइट्रेंट, ठीक है, टाइट्रेंट जब हम लोगों ने इसमें डालना शुरू किया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, और यहाँ पे HCl भी हमारा प्रेजेंट है। अब देखो इन तीनों के रिएक्शन से हमारा क्या बना, यहाँ पे बना हमारा डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, और NaCl अलग हो गया और H2O हमारा अलग हो गया। अब देखो वैसे तो मैंने आप लोगों को एक स्टेप में रिएक्शन बता दी, बट एक्चुअल में ना ये रिएक्शन हमारी दो स्टेप में होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो स्टेप वन में क्या होगा, ये जो हमारा NaNO2 है, यानी कि जो हमारा टाइट्रेंट है, ठीक है, ये हमारा रिएक्ट करेगा HCl से, और यहाँ पे क्या बनाने देगा, HNO2, यानी कि हमारा यहाँ पे नाइट्रस एसिड, ठीक है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होगा और NaCl अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो हमारा नाइट्रस एसिड है, ठीक है, अब ये हमारा रिएक्ट करेगा हमारे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कंपाउंड से, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन प्लस HNO2 और HCl जो हमारा पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि मीडियम हमारा एसिडिक है। तो अब इन तीनों की रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट, और वाटर हमारा अलग हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो डायजोनियम सॉल्ट कंप्लीट, ठीक है, अब इसके आगे बस थोड़ी बहुत चीज़ें हमें देखनी है, यही हमारा मेन कंसेप्ट था। अब यहाँ पे बात करें हम लोग अपने एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन की, तो देखो यहाँ पे भी एक थोड़ी सी स्पेशल चीज़ होती है, यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर होता है वो थोड़ा सा स्पेशल होता है। यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं स्टार्च आयोडीन पेपर। अब ये स्टार्च आयोडीन पेपर मतलब कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान से देखना, जो हमारा फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर हमारा नॉर्मली एक पेपर टाइप का होता है, इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिप करते हैं अपने पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा डिप कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इसी पेपर को फिर से उठा के जो है अपने स्टार्च म्यूसिलेज के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, यानी कि सिंपली सबसे पहले हम लोगों ने डिप किया अपने KI के सॉल्यूशन में, फिर डिप किया स्टार्च म्यूसिलेज के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या तैयार हो गया, यहाँ पे हमारा तैयार हो गया स्टार्च आयोडीन पेपर, ठीक है, स्टार्च आयोडीन पेपर, ठीक है, यानी कि इस पेपर में हमारा क्या क्या है, स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च है और आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन हमारा पोटेशियम आयोडाइड से मिल गया। तो यहाँ पे हमारा पेपर जो है स्टार्च आयोडीन पेपर तैयार हो गया। अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, देखो ये भी थोड़ा सा स्पेशल होता है, एक्चुअल में इसको हम लोग अपने सॉल्यूशन के अंदर डालते नहीं है, हम लोग करते क्या है कि जैसे हम लोग टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ये हमारी टाइट्रेशन चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि इस जो हमारा ये पेपर होता है ना, इसको हम लोग यहाँ पे डिप करके देखते रहते हैं, मतलब इसको हम लोग डालते रहते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा देखते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब इस जो ये हमारे पेपर है, ठीक है, ये जो फिल्टर पेपर हमारा जो स्टार्च आयोडीन का पेपर तैयार हुआ है, इसका कलर यहाँ पे क्या होता है, ब्लू हो जाता है। तो जैसे इसका कलर ब्लू होगा वैसे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एंड पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे कलर ब्लू कैसे होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे थोड़ी बहुत रिएक्शन होती है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन देखते हैं। इन डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन वी यूज स्टार्च आयोडीन पेपर एज अ इंडिकेटर, ठीक है, एट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन स्टार्च आयोडीन पेपर चेंजेस द कलर इनटू ब्लू, ठीक है, हम लोग समझ गए। अब स्टार्च आयोडीन पेपर यहाँ पे तैयार कैसे होता है, स्टार्च आयोडीन पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग द फिल्टर पेपर इनटू पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टार्च म्यूसिलेज सॉल्यूशन, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन। तो होता क्या है, देखो ये जो हमारा स्टार्च आयोडीन पेपर है, अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है KI पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, तो सबसे पहले करेगा क्या, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ना, ये हमारा रिएक्ट करेगा HCl से। अब HCl कहाँ है, HCl मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया, हमारा एनालाइट के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर हमारा एसिडिक मीडियम है, HCl है। तो ये जो KI है ये इस HCl से रिएक्ट करेगा और हमारा क्या बना देगा, HI, ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा HI है ये हमारा रिएक्ट करेगा HNO2 से। अब HNO2 हमारा पहली रिएक्शन में बना था, आप लोगों को याद है ना, और उसके बाद क्या होगा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, आयोडीन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है, I2 हमारा रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे NO रिलीज होगा और H2O, ठीक है।
अब ये आई टू क्या करेगा, अब ये आई टू ठीक है यहाँ पे रिएक्ट करेगा हमारे स्टार्च से, ठीक है, और स्टार्च हमारा किसके अंदर है, इसी फिल्टर पेपर के अंदर है। तो अब इस आयोडीन की रिएक्शन होगी हमारे स्टार्च से और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा आयोडीन स्टार्च का, ठीक है, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो इस तरीके से हमारा इंडिकेटर यहाँ पे कलर चेंज करता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इतना ही था हमारा डायजोटाइजेशन डाइट्रेशन में, बट यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं क्योंकि आप लोग को यहाँ पे 5 या 7 नंबर में लिखना है, तो हम लोग थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपने डायजोटाइजेशन डाइट्रेशन में कंडीशन की बात करें तो हम लोग को यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर को हम लोग को काफ़ी लो रखना होता है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, ये जो हमारा सॉल्ट फॉर्म हुआ है डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस है, यानी कि सिंपली बात करें तो ये जो है आयनाइज फॉर्म में, ठीक है, और आयनाइज फॉर्म में होता क्या है कि कोई भी कंपाउंड यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है, यानी सिंपली बात करें तो डायजोनियम सॉल्ट इज नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, सो द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंडीशन हमें डायजोटाइजेशन में फॉलो करनी होती है, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा लेस वैरायटी ऑफ सैंपल के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है, हम लोग इसको ज़्यादा टाइट्रेशन में यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पे ये रिलेटिवली स्लो होती है, ठीक है, यानी कि बाकी टाइट्रेशन के कंपेयर में अगर हम लोग बात करें तो ये वाली टाइट्रेशन ना थोड़ी सी स्लो होती है, और यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर की कंडीशन को मेंटेन करना पड़ता है। तो और उसके बाद यहाँ पे एंड पॉइंट डिटेक्शन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब एंड पॉइंट डिटेक्शन क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, देखो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोग करते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपने इस स्टार्च आयोडीन पेपर को इसके अंदर डिप करते हैं। अब देखो क्या है ना कि देखो जो हमारा टाइट्रेशन है उसके अंदर कलर चेंज ना बहुत शार्पली होता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से होता है। अब मान लो हम लोग इसको डिप कर रहे हैं, ठीक है, अब मान लो कलर चेंज थोड़ा पहले हो गया, हम लोग डिप बाद में कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा एंड पॉइंट थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे एंड पॉइंट डिटेक्शन जो है एकदम मतलब शार्प एंड पॉइंट मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे मेथडोलॉजी की, ठीक है, तो देखो इसमें वही सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल, द जनरल प्रोसीजर इज फॉलोड बाय वेइंग द सैंपल एंड ट्रांसफरिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फ्लास्क, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा जो सैंपल है एरोमेटिक अमीन कंपाउंड, ठीक है, उसको हम लोग लेंगे और स्टैंडर्ड फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे, फिर पोटेशियम ब्रोमाइड को भी यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। इसको हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हमारी टाइट्रेशन है वो थोड़ी सी फास्ट हो सके, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम को फिल कर देते हैं विद द डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, यानी कि जितना वॉल्यूम हमें बनाना है उतना हम लोग यहाँ पे वाटर ऐड करके बना लेते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, अब जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो स्टैंडर्ड है। अब उसमें से हम लोग को जितना चाहिए एप्रोप्रिएट वॉल्यूम, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, पिपेट आउट, यानी कि पिपेट से बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे अपनी टाइट्रेशन को स्टार्ट कर देते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करने देते हैं, ठीक है। नाउ फाइनली द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन अंटिल स्टार्च आयोडाइड पेपर टर्न्स इनटू ब्लू कलर, ठीक है, वही सारी चीज़ें जो मैंने आप लोग को बताई। और यहाँ पे देखो आप लोग जो है इस तरह का फिगर भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे ये हमारा टाइट्रेंट हो गया, ये हमारा एनालाइट हो गया, तो बस कुछ खास नहीं है इसमें, बाकी ये तो आप लोग को पता ही है। एंड फाइनली बात करें हम लोग अपने एप्लीकेशन ऑफ डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे अपना सल्फोनामाइड हो गया, ठीक है, क्लोरोफेनामाइन हो गया, प्रोकेन हो गया, डोपामीन हो गया, एफिड्रीन हो गया, तो ये सारी हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको आप लोग को आने वाले सेमेस्टर में पढ़ना है, तो उसकी डिटर्मिनेशन में हम लोग इसको मेनली यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सिंस सोडियम नाइट्राइट इज यूज एज टाइट्रेंट इन डायजोटाइजेशन, ठीक है, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज नाइट्राइट टाइट्रेशन। तो यहाँ पे जो हमारा डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग को पता है कि हमारा टाइट्रेंट क्या होता है, NaNO2, यानी कि सोडियम नाइट्राइट, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे नाइट्राइट टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।